डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में रविवार को पश्चिम नागपुर महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान महिला पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आए दिन पेट्रोल के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, जिससे नाराज होकर पश्चिम नागपुर महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार को मानकापुर चौक में आंदोलन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस की नैश नुसरत अली ने कहा कि उन्होंने यह गाड़ी की शव यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई है। सर देखिए, ये एक तरीके से हमने भाजपा सरकार का हमने निषेध किया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ गए हैं, एक आम आदमी तो त्रस्त हो गया। आज महिलाएं भी मजबूर हो गई हैं कि वो गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि वो रसोई गैस पे अब गैस बनाने के काबिल तो रही नहीं। तो अब यहाँ से ये मुहिम चलनी स्टार्ट हो गई है कि महिलाएं मिट्टी का चूल्हा बनाने पर मजबूर हो गई हैं। तो आज हमने पूरी तरीके से मतलब भाजपा सरकार का हमने निषेध किया है, और हमने पेट्रोल डीजल के विरोध में हमारी और गैस सिलेंडर के विरोध में हमारी ये विरोध प्रदर्शन था आज। इसमें हमने गाड़ी की हमने अंतिम यात्रा निकाली है, सिलेंडर को हमने सिलेंडर के साथ हमने एक शोक सभा आयोजन की थी। तो मैं पूरी तरीके से कहती हूँ, भाजपा सरकार पूरी तरीके से असफल हो चुकी है, देश चलाना इनके बस की बात नहीं है। तो लग रहा है कि मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का काम डाउन स्टार्ट हो गया है। तो उनको ऐसा लग रहा है कितना पैसा मैं बटोर के अपने उद्योगपति दोस्तों के पास जमा कर सकूं। तो ये यहाँ पे अभी काम डाउन उल्टी गिनती उनकी चालू हो चुकी है पूरी तरीके से। सर प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक हक है, हमारा संवैधानिक ये राइट्स बनता है कि हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारा संविधान ही हमें देता है। तो हम हर जितना हो सकता है हम प्रोटेस्ट करेंगे। शर्म की बात ये है कि मोदी सरकार जो बात करती है कि महिलाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाएं की सुरक्षा, आज देखिए आज महिलाओं का क्या हाल हो गया। आज महिला एक टाइम की रोटी बनाने को त्रस्त हो रही है। आज वो सोचती है 10 बार तेल का डब्बा लेके सब्जी में डालूं या कम डालूं या नहीं डालूं, क्योंकि आज अगर डालती तो कल क्या पकाएगी। तो आज मोदी सरकार ने जो किया है महिलाओं को, जो उन्होंने जो एक पूरी तरीके से जो त्रस्त कर दिया है, तो महिलाएं उनको सबक सिखाएंगी। जैसे सर पहले सिलेंडर के दाम जो बढ़े थे या जो भी था, एक ऐसा आक्रोश, ऐसा आर्टिफिशियल दिखाया गया था स्मृति ईरानी की तरफ से कि सिलेंडर 450 रुपये हो गया है, तो वो रोड पे आ गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं स्मृति ईरानी जी को यहाँ से निमंत्रण देती हूँ। मैं बहुत बड़ी कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी कार्यकर्ता हूँ कि अपने देश के हक के लिए हमेशा आगे खड़ी रहूँगी। और एक चीज़ मुझे बोलना है आपके चैनल के माध्यम से कि पहले सब्सिडी मिला करती थी 250 से 300 रुपये, अभी 35 से 40 रुपये आ रही है। अगर 40 रुपये भी प्रति महीना आ रहा है, इसका मतलब है 125 रुपये प्रतिदिन मोदी जी इस देश की महिलाओं को 125 रुपये की क्या भीख दे रहे हैं। मेरा आपके चैनल से डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल है कि वो देश की महिलाओं का इतना अपमान करेंगे, ये देश की महिलाएं उन्हें सबक सिखाएगी। आप याद रखिएगा, मोदी सरकार का काम डाउन स्टार्ट हो गया, उल्टी गिनती अब चालू हो चुकी है। धन्यवाद। इस दौरान आगे उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार का निषेध करते हैं, सरकार अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल रही है। आंदोलन के दौरान महिला पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।